हेलो दोस्तों, ये ट्विन शॉफ्ट मिक्सर है। इसकी कैलिब्रेशन कर रहे हैं। इसका लोड सेल है 500-500 केजी वाला, यानी टोटल 1000 केजी का है। तो इसमें सेट किया गया है 300 पे। अभी इसमें बोवर लिखा आ रहा है, तो आल्को कमांड का सिस्टम है। तो ये हमारे इस्माइल भाई हैं, ये ऑपरेट ये कैलिब्रेट करेंगे इसका। सबसे पहले आपने ये देखे, ये कैलिब्रेशन है। अच्छा, सिस्टम सेटिंग में है, यानी इसकी कैलिब्रेशन आपने यहाँ से ऑन करने के बाद सबसे पहले आपने सेटअप कैलिब्रेशन में जाना है। और इस पर आप देखें कि आपने कहाँ पे इसमें मोड चेक करना है, इंफॉर्मेशन है, सेटअप है, कैलिब्रेशन है। देखें और आप इंटर करेंगे तो आपने कौन से डिस्प्ले में यानी कैलिब्रेशन करनी है, वाटर में, सीमेंट में, एग्रीगेट में, आइस में, यानी आपने आइस में करनी है तो डिस्प्ले इसको इंटर करेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि आपने क्या जीरो स्केल में करनी है कि या कुछ वेट है उसको आपने ऐड करना है। तो हमने जीरो स्केल पे करनी है तो इंटर करेंगे यस। तो आपने देख लेना है कि पीछे एम्प्टी है, बाहर एक बार देख लेना पीछे जो आदमी इधर पीछे लगा हुआ है आदमी, इसमें कंफर्म कर ले, एक मिनट में कंफर्म कर ले। यानी इसमें 80 किलो का वेट रखा है, यानी 20-20 के चार रखे हुए हैं, यानी अभी 80 दिखाना चाहिए इसमें वेट। गर्म खाली है, पीछे अच्छा। कोई आदमी और वेट कुछ भी नहीं है। तो एम्प्टी स्केल पे हम प्रेस करेंगे इसको, जीरो का अप्लाई करेंगे, इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसकी सिस्टम जो है ये सेल्फ के साथ कैलिब्रेशन स्टार्ट होगी। सेल्फ हो रहा है जीरो स्केल पे भी। अच्छा, तो अभी वेट तो है ना उसमें? नहीं नहीं, अभी वेट नहीं है, पहले ये जीरो। अच्छा, स्केल पे करेंगे कि जितना भी वेट है वो इसमें स्केल को जीरो जीरो कर देगा। वेट कितना रखेंगे आप? बाद में हम 80 केजी वेट रखेंगे। ज़्यादा नहीं रख सकते? ज़्यादा भी रख सकते हैं, आपकी अपनी है जितना रखना, लेकिन हम 80 है। आप अप डाउन ऐसे कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। अच्छा, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने 80 केजी पे किया है। अब पीछे ये देखिए कि अप्लाई वेट इंटर वैल्यू, कि आप कितनी वैल्यू पे जो है वो अप्लाई करेंगे। तो हमने कहा कि 80 केजी पे करेंगे। अब पीछे आपने चेक कर लेना कि क्या रखा है नहीं रखा है, लोड सेल के ऊपर जो है 80 केजी है। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक, यानी अभी है स्केल जो खाली है, 80 पे सेट किया हुआ है इन्होंने, तो अभी 20-20 के चार रखेंगे, यानी 80 किलो बनाएंगे उसको। 80 किलो, ये देखिए अभी लड़का चढ़ा हुआ है उधर, तो अभी वो स्केल के ऊपर खड़ा हुआ है। 1000 केजी का तो वो लोड सेल है, 500-500 के दो। ये कमांड आल्कोन का है, आल्कोन का है। और ये ग्राफिक है इसका, निका का ट्विन शाफ्ट है, ये ट्विन शाफ्ट मिक्सर। हाँ, हमने पीछे चेक कर लिया है, 80 केजी अप्लाई कर दिया हमने। तो अब देखिए आप, 80 केजी है, ये अप्लाई वेट इंटर वैल्यू है, तो हम वैल्यू को इंटर करते हैं 80 केजी पे। ये डिसेल जो है ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन कर रहा है 80 के जी। अच्छा, वो खुद से कर लेता हुआ। अब वैल्यू अप्लाई करेंगे ना, जो लोड सेल पहले ही 500 केजी को है, तो ये अब सेल चेकिंग हो गई है। हेलो, हाँ, बस दो मिनट और मैं फोन कर लूँगा। ये आप देख रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि कैलिब्रेशन है अनदर डिस्प्ले, कि आपने किसी और डिस्प्ले में भी कैलिब्रेशन करनी है।
यानी वाटर में, सीमेंट में, एग्रीगेट में, तो नहीं करनी है। लेकिन उसमें नहीं, हमें आइस में प्रॉब्लम थी तो हमने आइस में काट दी, तो ये नो का ऑप्शन है। जैसे आप किसी और में आपने कैलिब्रेशन करनी है तो यहाँ पे चेंज करेंगे इसको, यस तो वो कैलिब्रेशन किसी और डिस्क में, हमें नहीं करनी तो इसलिए नो करेंगे और इंटर अप्लाई कर देंगे। और ये बैग आप देखें यहाँ पे, अब वेट हमारे पास 80 kg है, हमने 80 kg रखा था पीछे। ये जो 81 आ रहा है और 80 आ रहा है तो ये हवा की वजह से एरर होता है। अच्छा, वो हिलता जुलता है तो बढ़ता है, यानी होता है एक एक किलो का फर्क होता है इसमें जी। लेकिन देखें वो स्टेबल है तो 80 पे है स्टेबल, लेकिन किसी टाइम हवा की वजह से एक 81 आएगा या 79 आएगा, इस तरह एरर होता है। अच्छा, लेकिन अभी 80 kg है। 1 kg से तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं ना? जी, नहीं कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अभी इसको एक पीस दो पीस करके कम करें और आप चेक करें कि क्या दोनों लोड सेल जो हैं उनके ऊपर वेट बराबर अप्लाई है। अगर नहीं बराबर नहीं डिवाइड तो आप दोबारा कैलिब्रेशन कर लें और चेक कर लें कुछ एरर है वायर में या किसी चीज़ में या लोड सेल में। लेकिन अभी यहाँ पे 80 है, ये सही है। आप एक पीस या दो पीस जो है यानी निकालते जाइए, उधर से माइनस करते जाइए जी। 20 kg 40 kg आप कम करें पता चल जाएगा आपको। अच्छा, तो अभी कम करवाएंगे आप? जी आता हुई, अभी तो निकाल रहे हैं। साठ पे आ गया एक निकालने पे, 40 सही है, दो निकल गए। दो निकल गए यानी अभी दो हैं और। दो निकल गए, 40 दिखा रहा है, यानी और दो निकालेंगे। अभी दो पीस और बाकी हैं वो भी निकाल देंगे। 20-20 के है ना जी, 20 kg के। देखिए अभी एक पीस निकल गया, 20 आ गया। ये लास्ट एक है तो वो भी निकाल है, देखें आप 0 हो गया, यानी अभी स्केल जो है वो 0 कंप्लीट है। तो अभी इसमें क्या माल लेके गिरा के देखेंगे? नहीं, वो आप अभी ये अगर एरर होता तो यहाँ पे लिख के आ जाता, यानी 1 kg 2 kg कुछ लिख के आ जाता। अभी ये 0-0 है यानी परफेक्ट है। अच्छा, ये देखिए लड़का उधर से गिरा दिया, अभी पूरा निकाल दिया, तो अभी इसका मतलब है डन है अभी, यानी ये ओके है। अभी कैलिब्रेशन होगी आइस की, आप आइस अप्लाई कर दें। अच्छा, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि यानी जब वजन बढ़ेगा इसमें आइस आएगी। तो इस्माइल भाई, ये कैलिब्रेशन करना आसान है या कोई भी कर सकता है? नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन आदमी को चाहिए कि इसकी लोड सेल का ध्यान करे, वायर का ध्यान करे। अच्छा, और ये पैनल जो है ये DC वोल्टेज है। अच्छा, तो इसमें ज़्यादा आप ये इंटर नहीं कर सकते। ये